राजस्थान वर्सेस बैंगलोर एलिमिनेटर मैच भाई मेरे, जहां बैंगलोर को देख सकते हो बैक टू बैक 6 मैच जीत के आ रही है। राजस्थान का लक इतना खराब है कि बैक टू बैक वही दूसरी तरफ राजस्थान 4 मैच हार के आ रही है। लास्ट मैच कोलकाता से होने वाला था, वो भी नो रिजल्ट रहा। तो राजस्थान एक तरफ काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है अपने बैटिंग यूनिट से, और बैंगलोर अपने बैटिंग के बदौलत हर मैच जीत के लास्ट 6 मैच जीत के आ रही है। तो काफी अच्छा मुकाबला होने वाला है राजस्थान और बैंगलोर का एलिमिनेटर मैच। जो टीम हारेगी सीधा एलिमिनेट हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। जो टीम जीतेगी यहाँ पे क्वालिफायर 2 मैच खेलेगी। तो चलिए बात करेंगे कौन जीतेगा। 22 मई वेडनेसडे को 7:30 PM इंडस्ट्रियल टाइम पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे मैच खेला जाएगा। क्वालिफायर 1 कोलकाता वर्सेस इसी में मैच इसी पिच पे हुआ, जहां 159 रन बनाए थे सारिथ ने। कोलकाता वर्सेस हैदराबाद का मैच था। तो देखा जाए तो पिच के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, कैसा पिच बिहेव करेगा, मैच कौन जीतने वाला है, टीम न्यूज क्या है और क्या क्या अपडेट है, ड्रीम 11 टीम में कौन कौन से प्लेयर पिक है, सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक बने रहना। देखा जाए तो मैच काफी अच्छा मुकाबला होना, बैटिंग वर्सेस बॉलिंग का मुकाबला होने जा रहा है। राजस्थान अपने बेस्ट बॉलिंग अटैक के लिए जाना जाती है, और बैंगलोर यहाँ पे अपने बैटिंग के बदौलत उतनी अच्छी मिडिल ऑर्डर के खराब प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन लास्ट 2-3 मैच से बैंगलोर ने अच्छा प्रदर्शन किया, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन प्रदर्शन करने लगे, उसके बदौलत जीत रही है मैच। तो भाई मेरा सब कुछ जानने को मिलेगा, बने रहिएगा। 9319409525 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिएगा। मैच में कमाना है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल तक ओपन आने वाला है, ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट में दिया गया, दोनों जगह पे क्लिक कर लेना। कहीं से भी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करना ध्यान में रखना, सिर्फ लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करना। नंबर टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हो तो नंबर वेरीफाई करो, नंबर अवेलेबल है तभी आप ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन किए हो। तो बात करेंगे, 33 मैच खेले जा चुके हैं, 14 फर्स्ट बैट 18 सेकेंड बैट यहाँ पे जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो भी मतलब मैच हुए हैं, और देख सकते हो तो लास्ट मैच भी सेकेंड बैट को एडवांटेज मिला KKR वर्सेस SRH को। तो पिच पूरा नेचर का है, समझो अभी 24 मैच में से 14 मैच यहाँ पे जो कि सेकेंड बैट जीती है। पहले मोटेरा स्टेडियम में 33 मैच टोटल खेले जा चुके हैं जब से नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना है, 24 मैच हुए हैं, 24 में से 14 यहाँ पे सेकेंड बैट जीती है। बात करेंगे 168 का एवरेज स्कोर है, 233 हाईएस्ट बनाया है गुजरात CSK के बैच इसी सीजन लगा। स्कोरिंग बटन बिलो 150 8 मैचों में, 150 से 69 8 मैचों में, 170 से 89 8 मैचों में, अबव 190 9 मैचों में, 207 हाईएस्ट चेस है इस पिच पे। KKR वर्सेस आपको GT का मैच देखा गया था, रिसेंट मैच जितने भी मैच हुए देख सकते हो, एक मैच SRH वाला भी चल रहा था 159 रन KKR के फेवर में, 159 रन, उसके बाद 231 289 उसके बाद 199 यहाँ पे RCB सीजन एक मैच खेल चुकी है और जीती भी है। राजस्थान इस सीजन पहली बार मैच खेलने वाली है। GT वर्सेस MI का मैच हुआ 168 स्टार्टिंग में, तो आपको काफी अच्छे धमाकेदार मैच थे, उसके बाद हाई स्कोरिंग मैच होने लगा। तो पिच वैसा ही बिहेवियर है, पिच एक हाई स्कोरिंग काउंटर यहाँ पे कॉमन है, देखा भी जाएगा इस मैच में, अच्छा मुकाबला देखने जाएगा, हाई स्कोरिंग मैच वाला होने वाला है। 170 प्लस वाला स्कोर यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं और हाई स्कोरिंग मैच भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, साथ में ध्यान रखिएगा। बिलो 170-175 आसानी से इस पिच पे चेसेबल होगा, और बैटिंग यूनिट अच्छे है। हाँ, जस बटलर को राजस्थान मिस कर रहे, उस बात का अलग है, टॉम कॉलर का अडमोर भी अच्छे बैट्समैन इस पिच पे अच्छा करेगा। पिच देखो, पेस को मदद मिलती है, स्पिनर यहाँ पे उतना अच्छा कर नहीं पाते हैं, पेसर मदद मिलती है और यहाँ पे पेसर ही ज्यादा विकेट ले, रिकॉर्ड भी पेसर के नाम पे है। राजस्थान की बात करेंगे, 14 मैच में से 9 जीती है राजस्थान, 4 हारी इस पिच पे, अच्छा रिकॉर्ड है राजस्थान का इस पिच पे, जहां बैंगलोर 5 में से मात्र 3 जीती है 2 हारी है इस पिच की, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जो कि प्रीवियस रिकॉर्ड था दोनों टीम का। हेड टू हेड बात करेंगे, 28 में से 13 राजस्थान, 15 यहां पे राजस्थान रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने जीता है, और बैंगलोर का थोड़ा रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन हाँ लास्ट 5 मैच में से 3 राजस्थान और 2 बैंगलोर, दो मैच जो भी बैंगलोर जीती है डिफेंड पे जीती है, देख सकते हो RCB से जयपुर में हुआ था पिछला सीजन, 171 डिफेंड कराई, और यहाँ पे 144 राजस्थान एक डिफेंड कराई, उसके बाद RCB यहाँ पे 189 डिफेंड कराई, 2 मैच जीती है लास्ट 5 मैच से, दोनों RCB ने डिफेंड करके, टोटल 2 मैच इस पिच पे हुआ है राजस्थान वर्सेज RCB का, एक राजस्थान ने जीता है और एक बैंगलोर ने, दोनों इस पिच पे चेसिंग का रिकॉर्ड है, दोनों मैच चेस करते हुए टीम ने जीता है, जब भी दोनों टीम भी रही है 157 चेस 130 चेस देख सकते हो। बात करेंगे भाई मेरे रिसेंट फॉर्म राजस्थान की, बात करेंगे राजस्थान यहाँ पे लास्ट मैच तो अवॉन्टेड, लास्ट 4 मैच प्रदर्शन देख सकते हो खराब था,
विन तो इनका पॉइंट टेबल में देखोगे पॉइंट सेम है राजस्थान और एसआरएच का, लेकिन नेट रन रेट थोड़ा कम होने की वजह से डाउन गई, थर्ड पोजीशन पे फिनिश की सीजन। बैंगलोर को देखोगे लक काफी साथ दिया, 4-5 टीम थी जो सेम पॉइंट के साथ अवेलेबल थी, लेकिन नेट रन रेट थोड़ा अच्छा था, कंटिन्यू मैच जीती, नेट रन रेट में सुधारी, लास्ट मैच भी चेन्नई से हुआ था देख सकते हो, नेट रन में सुधारी और क्वालिफाई की, चौथे पोजीशन की टीम है। अब बात करेंगे टीम न्यूज क्या कहते हैं, टीम न्यूज संजू सैमसन स्क्वाड को लीड करेंगे, टॉम कॉलर का रिमोट खेलते हुए नजर आएंगे, सिमरन हेटमायर भी आ जाएगा इस मैच में, इंपॉर्टेंट मैच है, डेवन फ्लोरियो भी अवेलेबल रहेंगे, विकेट कीपर है। बैंगलोर की बात करेंगे टॉप डू प्लेसेस स्क्वाड को लीड करेगा, प्लेइंग 11 प्रीवियस होने वाला, कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, प्लेइंग 11 राजस्थान रॉयल की तरफ से जैसे शशि जायसवाल, टॉम कॉलर काटमोर या सिमरन संजू सैमसन, यहाँ पर है ध्रुव जुरा, रोमन पॉल, रवि चंद, अश्विन, टेंडुलकर, संदीप शर्मा, आवेश खान, नंदेबरगर। वही बैंगलोर की बात करेंगे फाउड प्लेसी विराट कोहली, ग्लैन मैक्सवेल, रजत पाटीदार, कैमरन गिल या कैमरन गिल, महिपाल नंबर, दिनेश कार्तिक, करण शर्मा, यश दयाल अच्छा विकेट ले रहा है, बॉलिंग कर रहा है, लोकी फर्गुसन, इब मोहम्मद सिराज जो कि खेलते हुए नजर आएंगे। इम्पैक्ट में युजेंद्र चहल, केशव महाराज खेल सकता है और यहाँ पे स्वप्निल सिंह, यहाँ पे जो कि देखते हैं। अब दोनों टीम का प्लेइंग 11 सामने है, अब एनालिसिस करेंगे। देखो बैंगलोर खराब प्रदर्शन कर रही थी, इनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं चल रहे थे, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करने लगी, टीम जीतने लगी कंटिन्यू बैक टू बैक, तीन मैच जीती मिडिल ऑर्डर के परफॉर्मेंस की वजह से। इससे पहले भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, फाफ डू प्लेसी पिछला मैच में चेन्नई वाले मैच में फॉर्म में आ गया, मैन ऑफ द मैच था, विराट कोहली फॉर्म में है, 47-48 रन पिछले मैच में बनाया था, डेप्थ में ग्लेन मैक्सवेल भी फॉर्म में आ गया है, बॉलिंग से विकेट ले रहा है, ऑन एवरेज काफी अच्छी परफॉर्म का, बॉलिंग यूनिट थोड़ी खराब है बैंगलोर की, बाकी यहाँ पे बैटिंग यूनिट काफी स्ट्रांग हो गई है बैंगलोर की। राजस्थान स्ट्रगल कर रही है अपने बैटिंग से, लास्ट दो मैच देखोगे कितना रन चेन्नई से खेली थी, 141 रन बनाए, 144 रन पंजाब से बनाए, बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। मिडिल ऑर्डर में भी एक रियान प्रयाग चल रहा है, संजू सैमसन चल रहा है, इसके बाद बैटिंग पूरी मतलब डेप्थ में है ही नहीं, परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, रॉबिन पॉल से उतना उम्मीद नहीं कर सकते, बॉलिंग यूनिट तो अच्छी है, बॉलिंग कहीं भी खड़ा करते बैंगलोर को, और बॉलिंग यूनिट इस मैच में बैंगलोर पे काफी भारी पड़ने वाली है, जहां संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट, दो पेसर बहुत डेंजर है मैच के लिए, वही यहां पे युजेंद्र चहल और अश्विन जो कि ओवरसीज प्लेयर पर डिपेंड करती है टीम, तो यहां पे फाफ डू प्लेसिस हो गए और यहां पे ग्लेन मैक्सवेल हो गए, कैमरन ग्रीन, दो स्पिनर इनके लिए बैंगलोर के लिए काफी खतरा है। तो जहां राजस्थान बॉलिंग से मैच जीत सकते इस मैच में, बात करेंगे दिनेश कार्तिक फैंटेसी टीम के लिए, संजू सैमसन, विराट कोहली, रजत पाटीदार, जो शशि जैसा, ग्लेन मैक्सवेल, रियान पराग, कैमरन गिल, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, मोहम्मद सिराज, यहाँ पे प्लेइंग 11 आपके ड्रीम 11 टीम के लिए क्रिएट करते हो, ध्यान रखो कैप्टन बना रहे हो विराट कोहली को, वाइस कैप्टन रजत रियान पराग, विराट कोहली हर मैच परफॉर्म किया है, ऑरेंज कैप भी है, रियान पराग बस चैलेंज भी है कि ऑरेंज कैप वैसे तो सेंचुरी मारना पड़ेगा तभी ऑरेंज कैप ले पाएगा। अब प्रिडिक्शन से रिलेटेड मैं टेलीग्राम पे दूंगा, लेकिन राजस्थान हॉट फेवरेट रहने वाली है, यहाँ पर आरसीबी को मात दे सकती है इस मैच में, बाकी अपडेट मैं टेलीग्राम पे दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, टॉस बाद क्या होने वाला है यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करो ज्वाइन करो, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना कुछ भी डाउट हो मैच एसोसिएशन से अपडेट के लिए, मेरा दोनों व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट बताओ कौन सी टीम जीतने वाली है, सारे अपडेट आपको दे दिया हूँ मैच में, फॉलो कर लेना, बिलो 170-75 स्कोर लगे आसानी से चेसेबल इस पिच पे, जब तक 185 एवब ना बनेगा तब तक आपको फर्स्ट बैट के साथ नहीं जाए, प्रेशर गेम है, दोनों टीम प्रेशर में रहेगी क्योंकि एक टीम को एलिमिनेट होना है, दूसरा मौका नहीं मिलेगा, तो प्रेशर गेम है दोनों टीम के, इस बात का ध्यान देना।